You come in class. I always relate new things. That's why you find the class interesting. अगर मैं भी आपको यही बोलूं, psychology means what is happening, why is happening. मैम पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साइकोलॉजी एक्सप्लेन थ्रू एग्जांपल्स. जी देखिए आपका जो आंसर है नाउ आंसर इज समथिंग वेरी सिंपल हियर. व्हाई पहले तो आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज साइकोलॉजी. नाउ साइकोलॉजी के लिए व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन कोट द स्टडी ऑफ विल्हेलम विंडेट. ठीक है. नाउ व्हाई डिड आई राइट ऑल दिस इन योर आंसर इज कि पहले तो आपको बताना है कि साइकोलॉजी है क्या. उसका आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बड़ा हो गया है. ठीक है. तो व्हाट यू कैन डू इज कि साइकोलॉजी बिहेवियर और जो साइकोलॉजिस्ट है आप इसको कंसाइज कर देते तो उसमें आपका एक पैराग्राफ हो जाता. ठीक है. फिर उसके बाद मैंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन दिस थ्रू एग्जाम्पल्स. नाउ एक्सप्लेन दिस थ्रू एग्जाम्पल्स मतलब इफ़ यू आर सेइंग कि जो साइकोलॉजी है इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर दैट मीन्स नाउ दिस शुड बी कम्प्रीहेंडेड और सपोर्टेड बाय अ केस स्टडी. हाउ आपने जो आंसर अटेम्प्ट किया है उसमें जो लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल्स फर्स्ट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी. ट्रू कॉग्निटिव साइकोलॉजी बट द पॉइंट इज कि आपने एग्जाम्पल्स मेंशन कर दिया. अब इसमें आपको करना क्या है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जैसे मैंने लिखा है कि राइट अबाउट द थ्योरी ऑफ कार्ल जंग. यानी whenever you are going to attempt the answer you have to keep note of it that there should be psychologists mention of psychologists. yeah very important mentioning of psychologists. to jaise hi aapne cognitive psychology boli right waise hi aapko mention kya karni thi theory of Carl Jung. why because the person should know ki agar aap cognitive psychology ki baat kar rahe hain so you know about the theory with respect to the psychologist who talked about it. theek. सेकेंड थिंग इज़ आपने बोला बिहेवियर साइकोलॉजी. फाइन. नाउ बिहेवियर साइकोलॉजी में जो मेजॉरिटी पार्ट है वो कंडीशनिंग का है. राइट. आपने क्या किया है आपने बिहेवियर साइकोलॉजी मेंशन कर दिया और उसके बाद आपने एग्जांपल दे दिया. अब क्लास में मैंने आपको कैसे एग्जांपल्स बताए. इट इज़ वेरी सोशल साइकोलॉजी. राइट. तो पॉइंट ये है कि अगर लोगों को डिप्रेशन हो रहा है तो रीज़न क्या है. क्यों एग्जाम्पल शुड बी लाइक अभी जो डे टू डे लाइफ में हम लोग देख रहे हैं या उस हिसाब से जैसे इफ यू हैड बीन द इवैल्यूएटर तो आप क्या करते आपको कैसे एग्जांपल सही लगते हैं. जो डे टू डे जो रिलेटेबल होता है. राइट. तो उस हिसाब से जो आपने आंसर्स में लिखा हुआ है इट इज समथिंग कि लग रहा था कि इट इज जस्ट टू अटेम्प्ट. राइट. इफ यू हैव दिस डीप डाउन स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग तो यू विल ऑलवेज ब्रिंग दैट थिंग इन द पेपर. तो जैसे बिहेवियर साइकोलॉजी या बिहेवियर साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो दिस टाइम द वर्ल्ड इज सफरिंग इज डिप्रेशन. दैट मीन्स हाउ इज दिस मेंटल हेल्थ गेटिंग अफेक्टेड जिसमें बिहेवियर का बहुत बड़ा एस्पेक्ट है. व्हाई बिकॉज देर आर पीपल हु हैव दिस ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग एंड देन देर आर पीपल हु आर हैविंग पेसिमिस्ट थिंकिंग. राइट. तो अब आप खुद सोचिए इफ़ यू आर गोइंग टू मेंशन अबाउट दिस द पर्सन विल नो दैट आपको पता चल गया है कि बिहेवियर इज कमिंग फ्रॉम वेयर थॉट प्रोसेस. ठीक है. थर्ड आपने बोला डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. नाउ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में कोई इशू नहीं था और जो आपने आंसर मेंशन किया था कि हाउ पीपल डेवलप अटैचमेंट स्टाइल्स एंड अर्ली रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा ये बिल्कुल सही है. बट द पॉइंट वॉज दैट यू जस्ट हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंटल psychology. How will I know ki what is the difference between behavioral psychology and developmental psychology? Difference to pata hona chahiye na. Chaliye. Next is social psychology. Ab social psychology ab if the person is not having any idea about psychology usko kya lagega ki cognitive bhi same cheez hai behavior bhi same cheez hai development bhi same cheez hai social bhi same hi cheez hai. Nahi. To if social ab yahan pe jo aapne example diya when a person changes their behavior. ठीक है. नाउ व्हाट आई मीन टू से इज कि सोशल साइकोलॉजी इज आल्सो डीलिंग विद व्हाट बायो साइको सोशल अप्रोच. नाउ व्हाई जैसा कि है बायो साइको और सोशल तो थ्री टर्म्स आर गेटिंग अटैच बायो साइको और सोशल. सो यू हैव टू टेल कि व्हाट रोल सोशल साइकोलॉजी इज प्लेइंग. दैट मीन्स व्हाट रोल द एनवायरमेंट इन विच यू आर लिविंग इज प्लेइंग. अभी आप वहीं पे अमेरिका में होते थॉट प्रोसेस ही अलग होता वेरी डिफरेंट थॉट प्रोसेस. हाँ अभी आप इंडिया में हैं
बड़ा पीयर प्रेशर है कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू ऑपरेट, राइट, वेदर आई विल हैव द जॉब इन दैट एज और नॉट, वेदर द मैरिज विल टेक प्लेस एट दैट एज और नॉट, वेदर चिल्ड्रन आर, इतना प्रेशर है, वेयर आर यू लिविंग, राइट, यू आर जस्ट सर्वाइविंग. क्लिनिकल साइकोलॉजी, अगेन क्लिनिकल साइकोलॉजी इज डीलिंग विद मोर ऑफ थेरेपेटिस अप्रोच, वेरी ट्रू, वेरी करेक्ट, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि वॉट इज द डिफरेंस, राइट? सो अ लिटिल बिट ऑफ दिस ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड एंड दिस विल गेट ओवर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैम इसमें एक बार पूछना चाहता हूँ जी. जैसे हम ये पूरा क्वेश्चन आया फिर आंसर्स आया ये पूरा, तो ये पहले इसको फ्रेम किस हिसाब से माइंड पे कर लेना सही है, मतलब क्योंकि जैसे एक एक लिखते जाएंगे तो उसके बाद याद आते जाएंगे तो इट माइट गेट एक्सटेंडेड, तो वो तो लिमिटेड पेजेस. Definitely, because the answer जो है वो they are maximum 250 words, right? और जो paper pattern है उसमें आपने देखा ही होगा कि कैसे हो रहा है 10 marks, 15 marks, right? 2 page या 3 page के अंदर पूरा वो और यही ऐसी sheet होती है. Now, how you have to go about is that first one thing should be clear in your mind that introduction, body and conclusion. ये तो clear होना चाहिए, right? Now, the point is कि when you practice more of answer writing, what happens is कि it ultimately gets inculcated in your behavior. होता है ना कि जब आप पानी पी रहे हैं तो यू डोंट थिंक कि मैं लेफ्ट हैंड से उठाऊं या राइट हैंड से उठाऊं, यू जस्ट थिंक अबाउट ड्रिंकिंग. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन आंसर राइटिंग. जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेते हैं सो विद टाइम व्हाट हैपेंस इज इट्स देयर इन योर साइकी दैट आई हैव टू गो विद इंट्रोडक्शन, देन आई हैव टू गो विद द बॉडी, देन आई हैव टू गो विद द कंक्लूजन. नाउ एज यू सेड कि मैम आंसर एक्सीड हो जाता है, फॉर दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि यू हैव टू हैव दिस थिंग कि इन सर्टेन क्वेश्चन आई विल स्टार्ट विद फैक्ट्स, in certain questions I will start with the definition of psychologist, and in certain questions I will give a very plain definition. Why? Because there are so many questions that you have to attempt, right? So if I am also going with that same mindset to mujhe badi thodi der baad, you know, I'll find things boring. So in order to believe or in order to have that interest in the paper checking, so you have to keep the examiner very engaged, right? Theek hai. मैम सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन साइकोलॉजी एज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. इसमें कोई दिक्कत थी आपको? इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, तो इसमें सिर्फ साइंटिफिक बिहेवियर साइकोलॉजी किस हिसाब से इसको रिलेट किया. अच्छा, सी जो मैंने आपको रिमार्क दिया हुआ है इसमें दिया था कि देखिए अब आप अपना इंट्रोडक्शन देखिए, लिखा गया साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर मेंटल, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस. ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि यू पीपल हैव लिमिटेड टाइम, तो इन दैट वे इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू आर गोइंग टू मेक एवरी आंसर इंटरेस्टिंग, नहीं हो पाएगा बिकॉज यू हार्डली गेट 4 to 5 minutes जिसमें आपको आंसर पूरा लिखना है एंड यू हैव टू थिंक ऑल्सो, राइट? और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे दैट यू डोंट इवन हैव एनी आइडिया अबाउट, बट देन ऑल्सो यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. तो फॉर दैट वॉट इज गोइंग टू हैपन इज कि जितना आपका टाइम सेव हो जाए फॉर द एंड, इट इज मोर बेटर. नाउ डेफिनेशन हैज नो इशूज, बट इन ऑर्डर टू मेक इट मोर बेटर वॉट यू कैन डू इज कि यू कैन एक्चुअली टेल कि जैसे उन्होंने पूछा एक्सप्लेन साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन एक्चुअली टेल कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी ऑफ मेंटल बिहेवियर एंड वॉट इज डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस. फर्क क्या है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस? मेंटल प्रोसेस इज समथिंग हाउ यू थिंक, बिहेवियर इज समथिंग विच यू हैव लर्नड, कल्चरली लर्नड या कुछ भी, राइट? अब आई रिमेंबर कि क्लास में ही कुछ लोग वो पूछ रहे थे कि मैम हमने कभी ऐसे सोचा नहीं है, तो मैंने कहा आपने नहीं सोचा है, इट इज़ समथिंग विच हैज़ देयर बाय कल्चर, राइट? इफ़ यू हैव बीन रेज्ड अप इन दिस न्यूयॉर्क, राइट, तब आपका कल्चर प्राइवेसी का होता, देन यू माइट नॉट हैव लाइक पीपल आस्किंग यू वेर आर यू गेटिंग मैरिड, when is the next thing that is going to be celebrated and all. India mein kya hai ki people don't go for privacy, to unko sab kuch janna hai, right? So that way you have to tell ki how behavior and mental processes are different in psychology, right? Now I ask the question, psychology is scientific study, so scientific study you have to explain what is scientific study and all. Ab dekhiye jaise hi बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस की बात आती है, आई हैव मेंशन दैट यू हैव टू यू नो राइट द स्टडी ऑफ पिगेट्स थ्योरी, राइट? एज यू आर गोइंग टू मेंशन द स्टडी ऑफ सिगमंड फ्रूड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि द एग्जामिनर विल नो कि यार दिस पर्सन इज हैविंग आइडिया ऑफ व्हाट डिड पिगेट डू, राइट? व्हाट डिड सिगमंड फ्रूड डू? ठीक है, उसमें फिर एक आपका है
दिस इज लिटिल एल्बर्ट स्टडी, राइट, लिटिल एल्बर्ट बैंडूरा बॉक्स स्टडी एक्सेट्रा. Now, those studies can also be mentioned over here. Why? Because not every time, it's not possible ki, see, you study the theory, right? Now it's your capability how you're going to relate it. If you are able to relate it well, you are going to mention Bandura box style in every places, fine? उसी तरह मैंने आपको क्या बोला, साइकोलॉजी इज मोर देन दिस व्हाट यू हैव रिटन. व्हाई? बिकॉज यू रीड इट तो आपको खुद ही पता चलेगा ये बहुत प्लेन नहीं है. You come in class, I always relate new things. That's why you find the class interesting. अगर मैं भी आपको यही बोलूँ psychology means what is happening, why is happening, will you find it interesting? तो आपको लगेगा ये तो मुझे पहले से ही पता है. So they say कि psychology में marks लाना is difficult. The point is कि you give them that thing ना कि they give you marks, right? तो एक ये चीज़ mention करनी थी आपको. Otherwise, what you mentioned, there is nothing wrong in this, but it is not marks fetching. ठीक है, ये वाले आंसर में ये दिक्कत थी. जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, explain psychology through historical viewpoints. Historical viewpoint मतलब इसमें आपने सही mention किया है कि आपने पूरा प्लेटो का बता दिया, एरिस्टोटल का बता दिया. बस एक ही चीज़ थी कि ये जो आपने फ्लो चार्ट बनाया था, इट शुड हैव बीन इन स्मॉल. वाई? बिकॉज मैंने आपको बोल दिया था कि द आंसर यू हैव टू अटेम्प्ट इन विच स्टाइल, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, राइट. अब आप देखिए वेयर इज़ अ कंक्लूजन, राइट, एंड बॉडी किसको बोलेंगे आप, राइट. तो इसमें और कुछ दिक्कत नहीं थी, फॉर्मेट वॉज मिसिंग. ठीक है, कॉन्टेंट वॉज ओके. ज़्यादा ज़्यादा आप क्या करते थे कंक्लूजन में, यू कुड हैव गिवन व्हाट कुड बी द फ्यूचरिस्टिक अप्रोच फॉर इट. ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कोई दिक्कत थी आपको? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस. तो इसको मतलब एक तो साइकोलॉजी वगैरह तो सोशल साइंसेस जितना भी है सोशियोलॉजी वगैरह, तो इसको एक तो कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं हम लोग? आपने लिखा तो इसमें सारा सब कुछ सही था, लेकिन सोशियोलॉजी वाला जो एस्पेक्ट था, देखिए कंटेंट आपका वो इज गुड, राइट, कंटेंट में कोई इशू नहीं था. इशू वाज समथिंग कि मैं भी आज बोल दूँ व्हाट इज डिप्रेशन. अब डिप्रेशन की मैं आपको डेफिनेशन दे दूँ, इज इट क्योरेबल थ्रू डेफिनेशन? नहीं. डेफिनेशन से आपको सिर्फ पता चलेगा व्हाट इज डिप्रेशन, राइट. द ओनली थिंग व्हाट वाज रिक्वायर्ड वाज द एग्जांपल्स टू रिलेट इट, राइट. एंड हियर व्हाट वाज हैपनिंग कि आपकी जो डेफिनेशन थी और जो थ्योरेटिकल पार्ट था, दैट वाज नॉट सफिशिएंट. व्हाट यू हैड टू डू इज यू हैड टू रिलेट इट मोर, इट वुड हैव बीन बेटर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. सो हाउ साइकोलॉजी कैन स्पेसिफाई सोसाइटल प्रॉब्लम. देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत अच्छा लिखा भी हुआ है इसमें. यू नो व्हाट वेंट रॉन्ग, देयर वाज आंसर वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट, पर इसमें दिक्कत सिर्फ एक चीज़ हो गई. यू टेल मी हाउ मेनी साइकोलॉजिस्ट यू हैव मेंशनड, राइट. हैड दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड इन एथिक्स पेपर, आंसर वुड हैव बीन बेस्ट. But since it has been asked in psychology paper, the issue is ki you had to write the viewpoints of the psychologist, because we are not psychologists, right? We are just reading it. So whenever somebody is asking you any issue, you have to tell them ki, see, this is what I am saying, this is what he has told. ठीक है, तो आपका जो आंसर था वो सारा सही था, you know, this question, but it was only about why you haven't mentioned about the psychologist. मैम इसमें क्या था कि जैसे सवाल पूछा तो एक तो समझ आ गया कि साइकोलॉजी कैसे सोसाइटल प्रॉब्लम से हम लोग जोड़ सकते हैं, बट इसमें एक कंफ्यूजन था कि कौन सा साइकोलॉजिस्ट का किस हिसाब से इसको रिलेट करके, जैसे इसका आंसर तो मेरे को समझ गया कि इसको किस हिसाब से एस्पेक्ट्स में रिलेट करें, बट इट वॉज डिफिकल्ट दैट कौन सा साइकोलॉजिस्ट का थ्योरी इसमें फिट होगा, या फिर कौन सा साइकोलॉजिस्ट का थ्योरी जो आएगा जिसका मेंशन कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के हिसाब से. जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम देखते हैं, उसको हम लोग पेपर में उठा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हम लोग दिख रहा है साइकोलॉजी के हिसाब से हो रहा है, वो प्रॉब्लम दिख रहा है वो पेपर में उठा रहा है, कि पर बैक ऑफ द थिंग दैट
उसका जो साइकोलॉजिस्ट है ये कौन सा थ्योरी उसको सपोर्ट करेगा, तो उसको एक था कि या फिर उसका आंसर ज़्यादा लंबा ना हो जाए, थ्योरी भी मेंशन कर दो, वो भी मेंशन कर दो, तो शायद 3 पॉइंट में वो समअप करना पड़ेगा पूरा आंसर को। थ्योरी आपको सिर्फ ऐसे मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल पिगेट्स थ्योरी, और आपको लिख देना है कि अच्छा दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस थ्योरी, या आपको लिख देना है बिहेवियरिज्म अप्रोच गिवन बाय दिस, या फिर आपको लिख देना है कार्ल जंग सोशल साइकोलॉजी, क्योंकि 250 वर्ड्स में यू कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट यू कैन जस्ट राइट कि दिस प्रॉब्लम कैन बी डेल्ट बाय दिस अप्रोच। अच्छा उसमें कुछ देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, व्हाई? बिकॉज यू फाइंड कि दिस अप्रोच इज करेक्ट फॉर दिस, तो इट इज योर व्यू पॉइंट, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो इसको तो हम लोग को साइकोलॉजिस्ट का जो भी थ्योरीज है, हां हां, थ्योरीज को पढ़ के इस प्रॉब्लम को उनसे रिलेट करके मेंशन करना। हाँ, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू आर एबल टू रिलेट एंड हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इट। ठीक है, सारा चीज ही यही है, बिकॉज कोई क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम सोशल साइकोलॉजी, या कोई क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा आई एम कमिंग फ्रॉम यूनिट 2, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।